एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है एक और जिसको बोलते हैं मैन वॉकिंग ऑन ए प्लैंक मैन वॉकिंग ऑन ए फ्रिक्शन लेस प्लैंक प्लैंक या बूट हो सकती है मैन मूविंग ऑन ए बोट भी हो सकता है क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एक प्लैंक है प्लैंक फ्रिक्शन लेस सर्फेस पे है फ्रिक्शन लेस सर्फेस कैसे हो सकती है जैसे आइस पे रखी हो लिखा रहता है प्लैंक इस कैप्टन ए आइस तो अब तो मान लेना फ्रिक्शन लेस बोट वो ऑन वाटर वाटर मान लेते हैं कि फ्रिक्शनलेस होता होगा विस्कोसिटी वाटर की थोड़ी बहुत इग्नोर कर दो अब ऐसे समझ लो कि मैन बोट पे बड़ा इमेजिन करना आसान है बोट पे मैन स्टेशनरी था मैन प्लस बोट एक सिस्टम है मैन स्मॉल का बोट कैपिटल एम की तो मैन प्लस बोट सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम जीरो है मैन बोट पे फॉरवर्ड चलने लगा ऐसे तो बोट ऐसे चलने लगी मैन ऐसे चला बोट ऐसे चली क्यों जब मैन चलेगा तो वो बोट पे धक्का मारेगा पीछे तो बोट जाएगी पीछे और बोट ने मैन पे धक्का लगाया आगे तभी तो मैन आगे जा रहा है न्यूटन न्यूटन तो कह रहा है है मोमेंटम मोमेंटम में के के साथ से समझो अगर इस सिस्टम का मोमेंटम जीरो था और बाहर से इस सिस्टम पे कोई फोर्स नहीं है तभी तो फ्रिक्शनलेस बनाया क्योंकि फ्रिक्शन एक एक्सटर्नल फोर्स पे होता अगर वो प्लैंक पे लगता है बोर्ड पे लगता फ्रिक्शन एक एक्सटर्नल फोर्स की तरह एक करता है अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो होगा क्या कि सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व बनाए रखने के लिए जीरो पहले था तो अभी भी जीरो बनाए रखने के लिए मैन का मोमेंटम जितना पॉजिटिव होगा फॉरवर्ड बोर्ड या प्लैंग का उतना निगेटिव होगा बैकवर्ड जिससे टोटल मोमेंटम जीरो रहे तो आप बोलोगे तो वही गन बुलेट सिस्टम हो गया लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है डिफरेंस इसमें ये और यही क्वेश्चन को करने की ट्रिक है अदरवाइज इससे क्वेश्चन गबड़ हो जाएगा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मैन जब चलता है बोर्ड पे तो उसकी विलॉसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं दी होती है विद रिस्पेक्ट टू बोट दी होती है क्योंकि चारों तरफ पानी और आप बोट में खड़ो तो आपको ना पता कि ग्राउंड से क्या हो रहा है ग्राउंड से तो ये हो रहा है कि आप बोट पे आगे चल रहे हो बोट पीछे चल रहे तो ग्राउंड वाला तो दोनों का नेट देखेगा

करते हैं इसको समझ में आ जाएगा ये तो समझ में आएगा कि बाहर से कोई फोर्स नहीं है बोट और प्लैंक पे तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है मोमेंटम कंजर्वेशन मतलब किसका मैन का मोमेंटम कंजर्व करना है बोट या प्लैंक का करना है कि बिफोर वॉकिंग एंड आफ्टर वॉकिंग बिफोर द इवेंट एंड आफ्टर द इवेंट करते हैं क्वेश्चन मैन का मास स्टैंडिंग एट द एंड ऑफ ए ट्रॉली ठीक है भैया ट्रॉली ट्रॉली का मास है। ये का है जीरो भाई जीरो, रुका हुआ है हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये देखो ये वाली सरफेस स्मूथ क्यों लिखी रहती है इसलिए रहती है क्योंकि स्मूथ हो जाएगी तो बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं मोमेंटम कंजर्वेशन की कंडीशन क्या है मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल सेस इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ए सिस्टम देन द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेंस कंजर्व एक्सटर्नल फोर्स को हटाना पड़ेगा अगर ले लोगे तो फिर मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगा पाएंगे अब मैन स्टार्स मूविंग टुवर्ड्स द एंड बी तो बोट के एक एंड से दूसरे एंड की तरफ चलने लगा प्लैंक के एक एंड से दूसरे एंड की तरफ चलने लगा ट्रॉली है तो दूसरे एंड चलने लगा भाई एक ट्रॉली है तो, तो मैं एक एंड की तरफ भाग रहा ट्रॉली पीछे भाग रही है ये हो रहा है तो मैन भागा कितने से यू रिलेटिव विद रिस्पेक्ट टू द ट्रॉली ये देखिए

मैन जो है वो यू रिले टू से आगे गया बट ट्रॉली वी से पीछे आ गई तो मैन जो है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वी ए वी टू ले लेते हैं तो मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितने से चला यू चलास वी टू मैन का मोमेंटम कितना हो गया एम इन टू यू रिले टू माइनस वी टू ये मैन का मोमेंटम हो गया आगे की तरफ इतना ही ट्रॉली का मोमेंटम पीछे होना चाहिए इतना ही ट्रॉली का मोमेंटम पीछे तभी तो नेट जीरो होगा तो ट्रॉली का मास कैपिटल एम ले लेते ले हैं और ट्रॉली की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो v2 दे ही रखी है ट्रॉली की तो वेलोसिटी हमेशा ही v2 दे रखी थी ये तो मैन की वेलोसिटी थी थी जो प्रॉब्लम कर रही थी। लगाया अभी भी वही m1 v1 आगे तो m2 v2 पीछे लेकिन बस सिर्फ इतना करना है कि मैन की जो रिलेटिव वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ले आए माइनस इसलिए क्या क्योंकि मैन गया आगे उसके पीछे का फ्रेम ही उठ के पीछे आ गया तो हमने नेट कितना आगे की तरफ गया वो वी रिलेटिव माइनस वी टू करके निकाल लिया अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो v2 वाले दो टर्म हैं ये वाला नेगेटिव इधर प्लस हो जाएगा तो v2 इधर जुड़ जाएगा कि स्मॉल m प्लस कैपिटल m mu रिलेटिव तो v2 यानी कि ट्रॉली की वेलोसिटी आ जाएगी mu रिलेटिव अपॉन m u upon m, plus m ये आगे गए v2